नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ जय शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर की। जी हां, ऐसा राम मंदिर जिसको लेकर के पूरे देश में उत्साह था और जिसको लेकर पूरे देश की जनता ये डिमांड कर रही थी कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, धर्म से जुड़ा हुआ विषय था और आखिरकार इस पर मुहर लगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आज वो दिन है जब अयोध्या रामलला की मंदिर में पूजा पाठ होगी और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा और स्थापना आज राम की जाएगी इस मंदिर में। इससे पहले हम आपको बता दें कि राम मंदिर में आज क्या कुछ तैयारियां, यानी कि अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं लेकर के राम मंदिर स्थापना को। यहां पर आपको एक बात और बता दें कि यहां पर अयोध्या में पिछले महीने दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और कहा जा रहा था कि राम भूमि पूजन की जो तस्वीर है वो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। और इसी कड़ी में आज वो दिन है, वो ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है जब श्री राम भूमि पूजन की तैयारी चल रही है और यहाँ पर पहुँचने वाले बहुत ही मंत्री और नेता बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर शिरकत करेंगे इस ऐतिहासिक स्थल पर। उससे पहले हम आपको यहाँ की तैयारियों के बारे में दोस्तों अगर बता दें तो 4 और 5 तारीख इसी महीने का, आज यानी कि 5 तारीख है और कल से ही और आज से लेकर के ये 2 दिन अयोध्या के लिए बेहद ही खास रहा। इन दोनों दिनों में पूरी दुनिया सोती रही, पूरा देश सोता रहा, लेकिन अयोध्या के लोग जागते रहे। इसलिए जागते रहे क्योंकि उन्हें जश्न का, उनके अंदर जश्न का माहौल था, उनके भीतर ये खुशी थी और ये खुशी है भी कि श्री राम अयोध्या में वापस लौट रहे हैं। कई सालों बाद, कई सहस्त्रों साल बाद श्री राम की वापसी अयोध्या में हो रही है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि अयोध्या नगरी, जहाँ कई प्रमुख मंदिरों की नगरी कही जाती है, वहीं राम मंदिर का निर्माण होना है और वहीं पर अयोध्या का रंग और उल्लास ज़्यादा दिख रहा है। उसके साथ ही मंदिर रात में रंगीन रोशनी में नहाए दिखता है। इसके साथ ही लोगों ने यह निर्णय लिया है कि राम मंदिर की स्थापना के दिन से ही, एक दिन पहले से ही या एक दिन बाद तक अयोध्या में हर घर में दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही सरयू नदी पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और इसके लिए खासतौर पर सरकार ने लोगों के बीच दीप का वितरण भी किया है। अयोध्या की तैयारियों के बारे में एक और बात बता दें आपको कि यहाँ के मंदिरों की सजावट फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आज ही दशहरा हो, आज ही दिवाली हो। लोग हर्षोल्लास के साथ श्री राम के अगवानी की तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के कई गणमान्य नेता यहां शामिल होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं, हालांकि ये घोषणा नरेंद्र मोदी कई सालों पहले भी कर चुके हैं, 20-22 साल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा ताज़ा है क्योंकि आज वो दिन है जब नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर निर्माण कार्य में, राम मंदिर शिलान्यास में शामिल होंगे और वहां पर भूमि पूजन का हिस्सा बनेंगे। उनके अलावा फैजाबाद के रहने वाले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी न्योता मिला है, वे लावारिस शवों का अंतिम क्रिया करवाते हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को भी निमंत्रण दिया गया है, हालांकि उनका कार्यक्रम में शरीक होना तय नहीं माना जा रहा है। तो दोस्तों अयोध्या में फिलहाल यही तैयारी चल रही है और अयोध्या, पूरी अयोध्या नगरी और वहां के लोग फिलहाल हर्षोल्लास के साथ श्रीराम की अगवानी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद वहां की तस्वीर कैसे बदलती है। आप लाइव सिटीज देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।